वाले नाम देख रहे हैं बिल्कुल मतलब भयंकर है पूरा पूरा। तो आज हम देखते हैं ये इनकी स्टॉल है भैया की, जहाँ आप लोगों को चाय की वैरायटीज मिलती है। चाय की वैरायटीज मिलती है आपको, मैगी मिलता है, बटर बन मिलता है, और क्या क्या मिलता है आपके पास? हमारे पास मैम मैगी मिलती है, हमारे पास चीज मैगी है, बटर मैगी है। ओहो, वेजीज वाली जो मैगी होती है वो रहेगी, प्लस में बन मक्खन, ब्रेड मक्खन, चाय है। चाय के हमारे पास फ्लेवर्स हैं, टोटली 7 फ्लेवर्स हैं हमारे पास। बहुत अच्छे, मतलब इतना कुछ देते हो, तो सबसे बेस्ट चाय का कौन सा फ्लेवर आपके यहाँ चलता है? मैम देखिए, जो हमारा नॉर्मल टी जो है, जो कि पब्लिक पीती है, अदरक इलायची, वो हमारा मेनली। इसके अलावा? इसके अलावा मैम पीते हैं, लेकिन जो टी है वो सीजनल एक तरीके से। ओहो, अभी जो प्रेजेंट में हमारा मेन चलता है वो नॉर्मल जो टी है, अदरक इलायची वाली। अदरक इलायची वाली, तो भैया आज हमको अदरक इलायची। तो गाइस चलिए देखते हैं और भैया से पूछ लेते हैं कब से कितना टाइम हो गया इस स्टॉल को। हमें टोटली 6 महीने हो गए, हमने 14 जनवरी को खोला था। 6 महीने हो चुके हैं भैया के स्टॉल को। तो गाइस यार एक बार भैया आओ बरेली, अगर आ रहे हो या फिर बरेली वालों आप लोग सुन रहे हो तो डीडीपुरम स्ट्रीट में भैया की स्टॉल लगती है। सड़क छाप चाय वालों के नाम से भैया को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ताकि भैया और आप लोगों के सपोर्ट से और ज़्यादा अच्छा कुछ तरक्की कर पाए। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बता देती हूँ कि भैया के स्टॉल की चाय और क्या कुछ कैसा है। बना रहे हैं हमारा बन मक्खन, मक्खन है ना। चाय बन रही है गाइस। भैया ने बहुत छोटा सा क्यूट सा स्टॉल बना रखा है गाइस, आप लोग देख सकते हैं। ये आ गया हमारा बटर। भैया कितने बजे लगा लेते हो? हम 10:30 मॉर्निंग, 10:30 से लेकर रात, 10:30 से नाइट तक चलता है। अच्छा, ओहो भाई गाइस देख रहे हो। एक बार बताओ ये आप कैमरे के आगे मक्खन लगा रहे हैं, रियल में इतना लगाते हो? मैडम ये क्या है, जैसे पास में टिक्की चलती है यहाँ पे। तो गाइस हमारी ये टी बनकर रेडी हो चुकी है, देख रहे हैं पूरा। भैया ने प्योर दूध से बनाई है चाय, ऐसा भी है। भैया कितने रुपए की चाय देते हो ये? हम 10 रुपए। क्या बात कर रहे हो भैया, यार इतनी महंगाई में 10 रुपए की चाय। तो गाइस ये मैंने बन मक्खन बन के रेडी हो चुकी है, जैसे कि आपने अभी देखा तो भैया ने बहुत ज़्यादा इसमें बटरिंग कर दी थी। और वैसे मैं बहुत कम पीती हूँ चाय, ये तो बहुत टेस्टी है। थोड़ा सॉल्टी हो गया क्योंकि इसमें बटरिंग ज़्यादा है और बिना बटर के मज़ा नहीं आता। गाइस चाय सिर्फ 10 रुपए की है, लेकिन जो इसका मज़ा है ना वो 10 लाख वाला है, सीरियसली बोल रही हूँ। बहुत टेस्टी है, प्योर दूध से बनाई गई है, पूरा इलायची और अदरक का पूरा पूरा फ्लेवर आ रहा है। बहुत देर तक इसको पकाया गया है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट है। और 30 रुपीज़ में आपको पूरा बन मिल रहा है। तो गाइस यार अगर इतना कुछ मिल रहा है तो यार अगर आप लोग बरेली वाले हो या फिर तो डीडीपुरम स्ट्रीट में सड़क से आप चाय वालों के आप लोग आ सकते हो और अपने वैल्यूएबल एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो। इसी तरह से प्यारी प्यारी वीडियोज़ मैं आपको के लिए लेकर आऊँगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इस बाबा से मिलिए, बाबा से मिलिए। बाबा कब से आ रहे हो यहाँ पे? 3 महीने हो गए आए तो यहाँ पे। कैसे लगती है इनकी चाय? बहुत बढ़िया, फेमस चाय है और इनके मुकाबला चाय मेरे का है भी नहीं यहाँ पर कोई भी। अच्छा, हाँ जी, कहीं नहीं मिली। सड़क छाप नाम है चाय का? हाँ जी। और क्या क्या खाते हो आप इनके यहाँ का? हम सिर्फ चाय पीते हैं। सिर्फ चाय पीने आते हो, बन मक्खन नहीं खाते हो? नहीं जी, नहीं, सवाल ही नहीं होता। अच्छा, हमें डॉक्टर ने मना कर रखा है। ओके बाबा, चलिए थैंक यू।